हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारे संस्था में बीपीएससी और बिहार दरोगा दोनों का क्लास चल रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। अगर हम अपनी संस्था की बात करें तो हमारे संस्था पटना के मुसलमपुर हाट में स्थित है और हमारे संस्था में बीपीएससी, बिहार दरोगा और शिक्षा भर्ती को ध्यान में रखते हुए कुछ एमसीक्यू कराया जा रहा है, जिसमें हम आप लोग का भूगोल का एमसीक्यू करा रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं इनका जो पीक लगा है, आप लोग देख सकते हैं जो पीक है। ये हमारे भारत की वो पहली महिला थी, या कहें तो आधुनिक भारत की पहली महिला थी, या जब कहें कि हमारे देश में अंग्रेज का शासन था उस टाइम में ये महिलाएं थी। और ये जो महिला हैं, अगर ये इनका नाम है सावित्री बाई फुले और ये ज्योति बाई फुले की वाइफ हैं। जब इनकी ज्योति बाई फुले से शादी हुआ था तो ये अनपढ़ थी, कहें तो इन्हें कुछ नहीं आता था, लेकिन इनके पति जो थे ज्योति बाई फुले इनको पढ़ाए। और जब ये पढ़ी तो इन्हें समझ में आए कि शिक्षा क्या चीज़ होता है, कहें तो शिक्षा हमारे जीवन की क्या महत्वपूर्ण अंग है, वो ये सब के बारे में जाने। और जानने के बाद ये संकल्प ली कि हम हर भारतीय महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जितना भी हमसे होगा, जब तक हम जीवित रहेंगे, पूरी योगदान अपना देंगे। और ये सबसे पहले अपने घर से जब पहली पांव रखे बाहर, कहे तो कहते हैं ना कि हम घर से पहला कदम आगे रखें, तो इन पर बहुत सारे अत्याचार लोगों ने किया, क्योंकि हमारे समाज उस समय बहुत पिछड़ा हुआ था, अशिक्षित था, उन लोगों को शिक्षा के बारे में पता ही नहीं था। और कहा जाता है कि जब भी किसी भी या इंसान के जिंदगी में या देश में कोई परिवर्तन होता है तो उसके बहुत सारे नकारात्मक भी होता है उसका, और बहुत सारे सकारात्मक भी योगदान होता है। लेकिन इनके पर कहें तो इन पर बहुत सारे अत्याचार हुआ, इन पर कूड़े कचड़े बहुत सारे फेंके गए, गोबर तक भी फेंके गए। जब ये गली से गुजरती थी तो इन पर महिलाएं या कहें तो पुरुष बहुत सारे लोग ताना भी देते थे, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानी। और आज जो हमारे भारत सरकार बोलता है या फिर बिहार सरकार कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, आज के अगर आप लोगों देखेंगे बहुत सारा मिलता है कि महिला अगर शिक्षित नहीं होती हैं तो हमारे देश का विकास नहीं होगा। और ये सब इन्हीं का देन है, हमारे समाज में जो भी महिलाएं शिक्षित हैं या कहें हमारे देश में, तो सभी उन पूरा का पूरा अगर हम कहें तो इन्हीं का योगदान है। क्योंकि उस जब ये शिक्षा इन ग्रहण की और ये जब संकल्प ली तो हमारे समाज में कि मतलब महिलाओं के अगर बात करें शिक्षा के बारे में तो एकदम 0% था, या जो भी आज जो देखेंगे तो लगभग 61% शायद पूरे भारत में शिक्षित महिलाएं हैं, और बिहार के बात करें तो 52% लगभग है। लेकिन अगर जैसे हम अब खुद के बारे में बोले तो अगर हम भी अगर आप लोग के सामने या पढ़ रहे हैं या कुछ करेंगे तो हमें लगता है कि हम इन्हीं का योगदान है जो हम आज यहाँ हैं। और आज जैसे अभी आप देखेंगे कि बिहार में G27 का सम्मेलन हुआ, उसमें एक लोगो रखा गया कि हम बिहार के महिला सशक्तिकरण इतना किए हैं, वो लोग मतलब बिहार सरकार दिखाया विदेशों के जो भी आए थे यात्री उन लोगों सामने, और लोगों भी या फिर भारत सरकार सब भी रखा सब शुरू। अगर पूरी योगदान का है तो इन्हीं का है, भले आज बिहार सरकार कहता है कि हम इतना कर दिए महिला सशक्तिकरण, भारत सरकार कहता है कि हम इतना किए, सब कहते हैं, बट सबसे ज़्यादा कहें तो इन्हीं का है। देख इनका एक कहीं थे, स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, पाठशाला ही इंसान का सच्चा गहना है। कहने का मतलब है कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो हर कोई ले सकता है, छीन सकता है, लेकिन अगर आप अपने आपके अंदर जो शिक्षा है या शिक्षा ग्रहण किए हैं, अगर वो आप किसी को बांटते हैं या देते हैं तो आप उससे ज़्यादा ही खुद को ही ग्रहण करते हैं, वो कभी कम नहीं होगा, वो आपको बढ़ेगा ही। इसलिए ये बोले हैं सच्चा गहना है, आपके ये जो गहना है नहीं कभी कोई दुनिया के इंसान छीन ही नहीं सकता है, क्योंकि ये आपका खुद का गहना है, आप ये जितना बांटेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास आएगा। तो ये हमारा आज का इतना ही था, अगला आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न देखेंगे, तुजु दरा अवस्थित है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका मणिपुर हो जाएगा। हम मैप से कुछ समझते हैं,
मैप आप लोग देख रहे हैं, मैप में आप देखेंगे तो ये जो भी लिखा हुआ है दर्रा ही है। हमारे भारत में कितने दर्रा हैं आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले सबसे उत्तर में आप दर्रा देखेंगे तो काराकोरम है, इसके बाद खारदूल है। ये दोनों जो दर्रा आपको दिखने को मिल रहा है आपको लद्दाख में मिलेगा। ये दोनों दर्रा आपको लद्दाख में मिलेगा और इसके बाद एक और ये देखेंगे आप बुर्जिला दर्रा, ये भी आपको लद्दाख ही में है। इसके बाद आप देख रहे हैं जो जिला बनिहाल, एक और दर्रा यहाँ पर है जिसे हम बोलते हैं पीर पंजाल। ये भी दर्रा, ये तीन दर्रा आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा जम्मू कश्मीर में। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश है। इससे अगर आप इन दोनों लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में जानेंगे तो ये 2019 से पहले एक राज्य था और ये 31 अक्टूबर 2019 को इसको दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। इससे पहले 2019 से पहले एक ऐसा ही राज्य था जिसका अपना ही अलग संविधान था। 1947 में जब देश बना था तो यहाँ के एक राजा थे, सॉरी उनका नाम मुझे याद नहीं है कन्फर्म, तो वो इस पर हस्ताक्षर किए थे। जैसे भारत में उस टाइम लगभग कहे तो, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, तो हुआ तो जैसे 2019 में आप देखेंगे ना तो अगस्त में यहाँ पर, इससे पहले जम्मू कश्मीर में था कि 370 एक अनुच्छेद था और एक 35 ए अनुच्छेद था। ये दोनों अनुच्छेद के अनुसार ये राज्य का ना एक अपना अलग संविधान था। यहाँ पर कहें तो ना आरबीआई केंद्र सरकार का जो गठित था ना आरबीआई काम करता था और ना ही यहाँ पर ज़्यादा कोई जैसे संचार व्यवस्था भी नहीं काम करता था। और जब अगर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता था तो यहाँ पर राज्यपाल शासन लगता था, राष्ट्रपति के अनुमति लेके ही राज्यपाल लगाता था, लेकिन यहाँ राज्यपाल शासन लगता था। तो ये तो हमारा हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके नीचे आप आएंगे तो ये बारह लच्चा है और शिवकिला, एक और दर्रा यहाँ पर है रोहतांग दर्रा। ये तीनों दर्रा आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में, ये आप लोगों को देख रहा होगा हिमाचल, ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा मुंगिल दर्रा, मानाला दर्रा और नीति दर्रा और ये लिपुलेख दर्रा। ये तीनों आप लोगों को दर्रा देखने को उत्तराखंड में मिलेगा। इसके बाद आप आएंगे यहाँ आप देखेंगे ये सिक्किम हमारा है, सिक्किम राज्य है। सिक्किम में भी आपको ये दो दर्रा, एक ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका होगा नाथुला दर्रा और ये आपका हो जाएगा जलेपजा दर्रा। ये दो दर्रा आप लोगों को सिक्किम में मिलेगा देखने को। इसके बाद आप आते हैं बुमडीला दर्रा, ये दर्रा ही है सब। इसके बाद है यांगपा दर्रा और एक और है कागरी करपोला दर्रा और दिकू दर्रा। और इसके बाद आप आएंगे तो ये देखेंगे पांगसाड़ और एक और नीचे उसके आएंगे तो लिकीपाली। ये सारे दर्रा आप लोग का अरुणाचल प्रदेश में होगा, ये जो आप देख रहे हैं आप लोग का अरुणाचल प्रदेश में है। इसके नीचे आप आएंगे तो ये तुजू दर्रा है, तुजू दर्रा जो है आप लोग का मणिपुर में है। और ये जो आप दर्रा देख रहे हैं दिकू दर्रा या फिर पांगसाड़ दर्रा, लिखा पानी दर्रा और ये जो और एक और ये तुजू दर्रा, ये सब दर्रा जो है ना आपको म्यांमार से रास्ता प्रदान करता है भारत और म्यांमार जाने के लिए। क्योंकि म्यांमार से कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो म्यांमार और भारत के जो भी सीमा साझा करता है यहाँ पर प्राकृतिक सीमाएं ही हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो पहाड़ी हो जाएगा, नागा हो जाएगा, पटगाई हो जाएगा, मिजो हो जाएगा, इस सभी जो है यही से आपको भारत और म्यांमार की सीमा साझा करता है। तो ये हमारा दर्रा हो गया। और कुछ दक्षिण भारत में ही दर्रा है आपको, जैसे यहाँ देखेंगे दक्षिण भारत में तो होगा थाल घाट। सबसे ऊपर होगा पाल घाट, थाल घाट एक भोर घाट होगा, भोर घाट है जो आपको केरल में है। और ये जो दर्रा है पाल घाट और थाल घाट, ये दोनों आप लोग को मिलेगा महाराष्ट्र में। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। आज हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है बनिहाल परियोजनाएं किस नदी पर स्थित है?
तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आंसर आपका हो जाएगा जनाब। देखते हैं मैप से चेनाब नदी कहाँ है। आप ये जो देख रहे हैं चेनाब नदी है और चेनाब नदी निकलता है हिमाचल प्रदेश से। ये आप देख रहे हैं इस तरह से ये हर नदी है और ये यहाँ से निकलता है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। और चेनाब नदी पर अगर हम परियोजना के बात करें तो एक आप देख रहे थे बनिहाल है, दूसरा आप देखेंगे तो हो जाएगा दुलहस्ती। दुलहस्ती परियोजना भी आप लोग के चेनाब पर ही मिलेगा। एक और है सलाल परियोजना, सलाल परियोजना, ये तीनों आप लोगों को चेनाब नदी पर मिलेगा देखने को। और तीनों ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होकर ही गुजरता है। ये जो नदी है चेनाब को अगर देखेंगे तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करते हुए गुजरता है। और ये तीन जो परियोजना आप लोग को तो मिल गया चेनाब नदी पर। और हम अगला देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही, एक है झेलम नदी। अगर हम झेलम नदी पर परियोजना के बात करें तो इस पर आपको देखने को मिलेगा किशनगंज गंगा। किशनगंगा परियोजना है। दूसरा देखिएगा तो तुलबुल हो जाएगा, तुलबुल परियोजना। और इस तीसरा एक्स पर देखिएगा तो आपको हो जाएगा उरी परियोजना। और ये जो किशनगंगा परियोजना है इस पर पाकिस्तान का विवाद करता है। ये बोलता है कि जो 1960 में हुआ था जल बंटवारा का समझौता, इसका विरोध मतलब कहता है कि इसका खिलाफ ये जो है बनाया गया है। और ये किशनगंगा झेलम नदी पर ही है। और ये तीन ये सब देख रहे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तुलबुल भी पूछा हुआ है और उरी भी पूछा हुआ है। इसलिए अगर आप देखेंगे कि 10 प्रश्न, जैसे 10 प्रश्न का हमारा डिस्कशन कराया जा रहा है, अगर 10 प्रश्न में जो भी डिस्कशन कराया जा रहा है तो आप देखेंगे तो 10 ही नहीं बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं। और आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट भी मिल जाएगा अगर अच्छे से वीडियो देखते हैं तो। मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कोई भी एग्जाम हो रहा है जिसमें आप लोग को भूगोल पूछ रहा है तो आप लोग को बनने का संभावना नहीं होगा। अगर अच्छे से आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि अगर 10 प्रश्न पूछता है तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा प्रश्न छूटेगा। तो ये हमारा हो गया, हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा युगांडा। आंसर में तो युगांडा हो गया। मैप से देखते हैं कौन कौन से ऐसा देश है जो कर्क रेखा से गुजरता है। तो हमारा देखेंगे तो ये कर्क रेखा कर ये है, ये हमारा कर्क रेखा है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, उत्तरी अक्षांश। अब हम देखते हैं कि कितनों राज्यों से गुजरता है। तो ये लगभग 17 देश से होकर गुजरता है। पहला हम देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका में, तो ये मेक्सिको हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक यहाँ पर द्वीपीय देश है जिसे हम बोलते हैं बहामास है। बहामास है, बहामास हो गया। ये आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा
पश्चिमी मरुवत पश्चिमी सहारा हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो मोनाटोनिया है, इसके बाद देखेंगे लीबिया है, इसके बाद आप देखेंगे तो अल्जीरिया हो जाएगा, ये हमारा अल्जीरिया है। इसके बाद आप देखेंगे तो चाड है, ये थोड़ा सा लगता है साफ तो नहीं देख रहा है, अगर आप लोग के पास एटलस होगा तो आप लोग साफ से देख लीजिएगा। नाइजीरिया है, चाड है, इसके बाद देखेंगे तो माली है, और फिर एक और देखिएगा या अफ्रीका में तो यहाँ पर मिस्र हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया अफ्रीका का, तो अफ्रीका में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो जाएगा यहाँ, और 2 हो गया यहाँ। इसके बाद हम आते हैं यूरोप में, यूरोप में आप देखेंगे तो हो जाएगा ओमान हो जाएगा, इसके बाद देखेंगे तो सऊदी अरब हो जाएगा, सऊदी अरब के बाद आप जाएंगे तो फिर आपको हो जाएगा यूएई हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, इसके बाद ईरान है, इसके बाद आप आएंगे तो आपको भारत मिलेगा, भारत के बाद यहाँ देखेंगे तो बांग्लादेश है, म्यांमार है, और इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ चीन हो जाएगा, और चीन के बाद एक और देखेंगे जो ये है ताइवान है। तो आप लोग कितना लगभग 17 देश हो जाएगा। आप लोग अगर एटलस होगा तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, इसमें थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है मैप में, और अगर बड़ा करेंगे तो और भी देखेगा नहीं अच्छा से। तो ये तो हमारा हो गया कर्क रेखा। अगर हम बात करें कि पूरे जो पूरे गोलार्ध जो है इसमें कितने रेखाएं हैं, तो ये हमारा कर्क रेखा हो गया। और कर्क रेखा के बारे में बात करें तो कर्क रेखा पर जैसे देखेंगे तो यहाँ पर आपको ना 21 जून को यहाँ पर आप लोग को सीधे सूर्य किरण चमकता है, सूर्य किरण सीधे इस पर चमकता है। और देखेंगे कि 21 जून को जब इस पर सीधे किरण चमकता है तो इसे हम बोलते हैं उत्तरायण बोलते हैं, और तभी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि जब यहाँ सूर्य आएगा तो हमारे भारत से भी कर्क रेखा गुजरता है, तो यहाँ गर्मी तो ज़्यादा होगा ही ना। और इसके बाद से फिर ये धीरे धीरे दक्षिण की ओर घसकने लगता है, और आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधे सूर्य किरण दो बार कर्क भूमध्य रेखा पर गुजरता है, और जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश होता है। यहाँ पर हमारे सूर्य साल में दो बार सीधे चमकता है। और अगर हम बात करें पूरे भारत सॉरी पूरे विश्व में कि दिन रात कब बराबर होता है, तो दिन रात आपको यही दो दिन बराबर दिखेगा, क्योंकि भारत सॉरी पूरे गोलार्ध को दो बार भूमध्य रेखा काटता है, तो जब दो बार काटेगा और सूर्य दो बार यहाँ पर सीधे चमकेगा तो ये बराबर बराबर बांटेगा, तो दिन और रात दोनों तो बराबर होगा ना। इसके बाद आप इसके नीचे आएगा तो ये मकर रेखा है, मकर रेखा के बात करें तो ये आपको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है, ये दक्षिणी अक्षांश है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर गुजरता है। और अगर हम तीनों रेखाएं के बात करें तो एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखा गुजरता है, जिसे हम बोलते जानते हैं अफ्रीका के नाम से। ये अफ्रीका हमारा ऐसा एक महाद्वीप है पूरे विश्व में कि जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसके बाद अगर हम बोले कि एक और कौन ऐसा देश है जहां से दो रेखाएं गुजरती है जैसे भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तो हमारा हो जाता है दक्षिण अमेरिका, ये हमारा दक्षिण अमेरिका है। अगर हम बात करें कि पूरे गोलार्ध पर कितने महाद्वीप हैं, तो आप देखेंगे तो पहला हो जाता है एशिया, इसके बाद आप देखेंगे तो ये अफ्रीका हो गया, फिर आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका, इसके बाद हो जाता है दक्षिणी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, और इसके बाद आप सबसे नीचे में जाएंगे तो ये आप देखेंगे तो ये हमारा सबसे नीचे का हो जाएगा, ये जो हमारा सबसे निचला भाग है सॉरी एक और है यूरोप भी है, और एक ये है जो इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिका, ये भी हमारा एक महाद्वीप ही है। तो आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हमारे पूरे गोलार्ध पर बात करें या पूरे पृथ्वी पर तो 7 महाद्वीप है। अगर इसी तरह से अगर हम महासागर के बारे में बात करें तो महासागर भी देखते कितना है,
हमारे पृथ्वी महासागर के बात करें तो पृथ्वी पर महासागर की संख्या 5 है। हम देखते हैं कौन कौन सा है। तो आप देखेंगे महासागर तो आपको सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ये हमारा प्रशांत महासागर है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये और ये जैसे पृथ्वी का पहले जो था ये जो हमारा जो दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका इस साइड में था। ऐसे अगर एक मैप होता है आप देखेंगे गोलार्ध में तो दिखेगा। तो ये जो हमारा भाग है से भी हमारा प्रशांत महासागर है और ये भी भाग है हमारा प्रशांत महासागर का ही है। इसके बाद अगर आप दूसरा महासागर की बात करें तो दूसरा महासागर आप लोग का ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर हो जाएगा। सॉरी अटलांटिक हो जाएगा दूसरा महासागर हमारा ये हो गया। और तीसरा अगर आप देखेंगे अगर पूरे विश्व में बात करें तीसरा महासागर कौन है तो आप लोगों का हिंद महासागर हो जाएगा हिंद महासागर। अगर हम बात करें महासागर की आकार की तो आप देखेंगे प्रशांत महासागर का आकार ओ की तरह है। अगर अटलांटिक महासागर का देखेंगे तो आपको देख सकते हैं ई एस की तरह है आकार में। और अगर हिंद महासागर के देखेंगे तो ये आपको जैसे कहें तो एम की तरह भी दिख सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं या फिर ये चतुर्भुज की तरह दिखता है। ये हमारा तीन महासागर का तो हो गया आकार। एक और आप देखेंगे तो ये सबसे उत्तरी में है अटलांटिक है। ये हमारा एक और महासागर है। और इसके बाद पांचवा महासागर की हम बात करें तो पांचवा महासागर हमारा दक्षिण सागर है। ये हमारा दक्षिण सागर है और इसका मान्यता ये 2021 में मिला है। इससे पहले इसके कोई महासागर में नहीं गिना जाता था। इसको 2021 में ही दक्षिणी महासागर का पांचवा हमारे पूरे विश्व के पांचवा महासागर के रूप में गिना गया है। ये तो हमारा हो गया महासागर और अब महाद्वीप भी देख लिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लानोस घास का मैदान स्थित है तो आप इसका आंसर देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। और अब मैप से देखते हैं कि कौन कौन सी घास कहाँ स्थित है। ये हमारा विश्व का मैप है आप देख रहे हैं। आप ये देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका है। ये हमारा उत्तरी अमेरिका हो गया। ये हमारा दक्षिण अमेरिका हो गया। इसको आप देखें ये हमारा हो गया अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं एशिया है। और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। और ये हमारा यूरोप हो गया। अगर हम घास के बात करें तो आप घास के बात में देखेंगे दक्षिण सॉरी उत्तर अमेरिका में देखेंगे तो ये आपको पेरियार है जिसे हम बोलते हैं पेरियारी। और अगर आप यहाँ दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा नाम है। जैसे आप इस क्षेत्र को देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं पंपास। और आपको जो ऑप्शन में मिला था लानोस से यहाँ पर मिलता है वेनेजुएला में। वेनेजुएला में हम इसे बोलते हैं लानोस। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर ब्राज़ील कुछ अर्जेंटीना और कुछ उरुग्वे पराग्वे का क्षेत्र में आप लोगों को कुछ घास का नाम मिलेगा जिसको हम बोलते हैं सलवास। ये हमारा घास का मैदान ये भी हमारे दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा। अब अगर हम सॉरी यहाँ इस क्षेत्र को कहते हैं सलवास। अब हम आते हैं अफ्रीका में तो अफ्रीका में आप सॉरी अफ्रीका में देखेंगे तो ये आप लोग का बेल्ट होगा और ये शीतोष्ण घास है। हमारे पृथ्वी पर दो प्रकार घास मिलता है एक उसने कटिबंधीय घास मिलता है और एक आप लोग शीतोष्ण घास मिलता है। शीतोष्ण घास उसे कहते हैं जिसे जैसे बर्फ के क्षेत्र इसमें ढका हुआ था। जैसे आप हम देखेंगे ये आपका हो जाएगा स्टेपी। स्टेपी जो घास का मैदान है ये भी आपको शीतोष्ण ही है। ये भी घास का जो मैदान है शीतोष्ण का ही घास है स्टेपी जो है। इसी तरह से आप देखेंगे
स्पेंट थी, तो ये आप लोग का होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा सवाना घास है, ये उसने कटिबंधीय घास का मैदान है। इसी के प्रकार आप देखेंगे तो हमारे ऑस्ट्रेलिया में आपको डाउन्स मिल जाएगा, ये आपको भी, ये भी शीतोष्ण घास है, ये भी शीतोष्ण घास है। इसी तरह से आप ये पेरियार भी देख रहे हैं, ये भी आपको शीतोष्ण ही है। ये तो हमारा हो गया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का। अब हम आते हैं, अब स्टेपी ये भी है जो यूरो कहे तो यूरेशिया क्षेत्र में है या फिर साइबेरिया क्षेत्र में, ये भी आपको शीतोष्ण घास ही है। आप देखेंगे यहाँ चीन है, जो चीन में आपको मिलेगा मंचूरियन, मंचूरिया घास का मैदान, ये चीन में है, ये भी आपको शीतोष्ण का ही हो जाएगा। तो ये हमारा घास का मैदान हो गया, आप देख लिए। अब हम अगला देखते हैं प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है बॉक्साइट का सबसे बड़ा, सॉरी यहाँ बड़ा होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर भी टाइपिंग का मिस्टेक हो गया, यहाँ पर इस तरह से होता है बॉक्साइट। तो देखेंगे तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो उड़ीसा हो जाएगा। अगर हम मैप से भी देखते हैं थोड़ा कुछ खनिज के बारे में, तो आप देख रहे हैं तो ये उड़ीसा हमारा है, उड़ीसा हमारा पूर्वी तट पर स्थित है और ये हमारे बंगाल की खाड़ी है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं भारत के दक्षिण पूर्व में, तो ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। अरे हमारा उड़ीसा, अगर उड़ीसा में बात करें तो यहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन प्रथम है। इसके बाद हम अगर देखें ये कर्नाटक, हमारा कर्नाटक है, तो ये सोना उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, सोना का उत्पादन में प्रथम पर है। आप ये केरल देख रहे हैं, केरल में आपको मोनेजाइट मिलेगा। भारत का एक ऐसा ही राज्य है जो केरल है, जहां आपको मोनेजाइट मिलेगा। ये हमारा केरल है। इसके बाद हम आते हैं गुजरात में, हमारा गुजरात राज्य है, आप देख रहे हैं ये पश्चिमी तट पर स्थित है, यहाँ आपको नमक उत्पादन में प्रथम राज्य है, ये प्रथम राज्य नमक उत्पादन में। अगर हम पूरे भारत के बात करें कि नमक उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर, तो आप लोग का गुजरात हो जाएगा आंसर में। उसी तरह अगर हम सोना उत्पादन में बात करें या सोना का भंडारण में बात करें, अभी तो वर्तमान में पिछले साल आप देखे हुए कि बिहार का जमुई जिला जैसे बोला गया कि भंडारण में सबसे अधिक है, लेकिन इससे पूर्व अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक ही था, और कर्नाटक का कोनार का खंडान है, कुल्लोर का खानदान है, जहाँ आपको सोना देखने को मिलेगा। और सोना का अगर अभी जैसे अभी तो यहाँ ना खनन हो रहा है ना कुछ, लेकिन कुछ सर्वे से पता चला था कि सबसे ज़्यादा अगर पूरे भारत में कहें सोना के भंडार में तो जम्मू ही है, बिहार का। लेकिन इससे पहले पूर्व के बात करेंगे तो आपको कर्नाटक हो जाएगा। और अगर हम कहें बॉक्साइड उत्पादन और भंडारण दोनों में कहेंगे तो प्रथम राज्य हो जाएगा उड़ीसा। अगर इसके बाद हम बात करते हैं जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, अगर छत्तीसगढ़ का हम बात करें तो कोयला उत्पादन प्रथम पर छत्तीसगढ़ है। आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्पादन और भंडारण दोनों अलग होता है। उत्पादन मतलब होता है कि वहाँ खनन सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, और भंडारण मतलब है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपस्थित है। तो भंडारण में देखेंगे तो कोयला का हो जाएगा झारखंड, झारखंड हो जाएगा भंडारण में। भंडारण में प्रथम स्थान पर अगर कहें तो झारखंड है कोयला का, और उत्पादन में छत्तीसगढ़ है। और अगर हम पूरे विश्व में बात करें कोयला उत्पादन में प्रथम देश कौन है, तो उत्पादन में आपको चीन हो जाएगा कोयला में। उत्पादन में अगर हम कोयला बोले कि प्रथम देश कौन सा है, तो चीन हो जाएगा। और अगर हम भंडारण के बात करें तो आप लोग हमारा हो जाएगा यूएसए, भंडारण में हो जाएगा यूएसए।
अगर आप लोगों का प्रश्न अगर कहीं भी देखने को मिलता है, जैसे कि बोलेगा कि कोयला का भंडारण सबसे ज़्यादा विश्व में किस देश के पास है, तो आप लोगों का USA हो जाएगा। अगर उत्पादन में बात करें तो चीन हो जाएगा, और दूसरे स्थान पर बात करें तो उत्पादन में भारत हो जाएगा। इसी तरह अगर हम नमक का बात करें कि सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में कौन करता है, तो चीन हो जाएगा, और दूसरे पर भारत, सॉरी तीसरे पर स्थान भारत का है। दूसरे पर अगर बात करें तो USA हो जाता है नमक उत्पादन में। तो ये हमारा कुछ खनिज हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कुछ ऑप्शन है, देखते हैं क्या था ऑप्शन। तो ये सारे जो भी ऑप्शन में सबको बारे में बता दिए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित, सॉरी ये नहीं होगा आंसर में, नहीं है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो कोचिंग हो जाएगा। आप लोग थोड़ा प्रश्न ध्यान से देखिएगा, इसमें दिया है पूर्वी तट, यहाँ पर बप काटा हुआ नहीं होता है, इस टाइप से होता है। पूर्वी तट बोले तो ऐसे होता है। तो इसका प्रश्न आप देखेंगे, पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित नहीं है, यहाँ पर आप लोगों का नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसमें आंसर में आप देखेंगे तो कोचिंग हो जाएगा, क्योंकि ये पारादीप है, ये भी पश्चिम पूर्वी तट पे ही है। और श्याम प्रसाद मुखर्जी जो इसको पहले कोलकाता के नाम से जानते थे, ये भी पूर्वी तट पे ही है। और आप तूतीकोड देख रहे हैं तो ये भी हमारे तमिलनाडु में है, ये भी हमारे पूर्वी तट पे ही है। तो हमारा क्वेश्चन होगा नहीं है, तो नहीं में हो जाएगा कोचिंग। और कोचिंग की बात करें तो हमारे केरल में है। हम देखते हैं कुछ मैप से बंदरगाह के बारे में। तो आप ये देख रहे हैं मैप हमारे भारत का है, और ये जो आप लोगों का दिख रहा है पीला कलर का, ये मैप है, सॉरी बंदरगाह का नाम है। तो ये हमारा पहला, सबसे पहले अगर हम पूर्वी तट के उत्तर में देखते हैं, कभी कभी सीक्वेंस में पूछता है पूरब से पश्चिम या फिर उत्तर से दक्षिण, इस टाइप से। तो आप देखेंगे सबसे पहले उत्तर में अगर पूर्वी तट पर, तो हल्दिया है। हल्दिया जो है आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। इसके बाद आप देख रहे हैं पारादीप। पारादीप आप लोग को ऑप्शन में भी था, ये हमारा उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में। इसके बाद आप देख रहे हैं विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम के बात करें तो ये सबसे गहरा, जैसे बंदरगाह के बात करें तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, और सबसे बड़ा भी नहीं, सबसे बड़ा तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है पश्चिमी तट पर। ये हमारा हो जाता है आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद देखेंगे काकीकाड़ा, ये भी आपको हमारे, आपको बंदरगाह जो है ये आपको भी आंध्र प्रदेश में ही मिलेगा। इसके नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा मछलीपट्टनम, ये भी आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, ये भी पूर्वी तट का ही बंदरगाह है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो ये है कृष्णापट्टनम। कृष्णापट्टनम भी आपको आंध्र प्रदेश में ही मिलेगा। और एक आप उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा कट्टुपल्ली। कट्टुपल्ली जो बंदरगाह है, फिर इसके आप नीचे देखेंगे इनोर, चेन्नई, और फिर नीचे देखेंगे तो नागपट्टिनम है। और इसके सबसे नीचे आएंगे तो तूतीकोड़ी, जो अभी आपको ऑप्शन में मिला था। सबसे दक्षिण में अगर पूर्वी तट के बंदरगाह के बात करें तो तूतीकोड़ी है। और ये यहाँ से अगर आप देखते हैं कट्टुपल्ली से लेके ये जो भी बंदरगाह आपको देखने को मिल रहा है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और ये आपको दो कलर का यहाँ दिख रहा होगा, जैसे एक रेड कलर का ये हमारा है, एक हो जाता है पिंक ब्लू कलर का। तो इसमें एक दे रहा है, जैसे यहाँ पर दे रहा है मंजूर शिफ्ट पोर्ट, और एक इंटरनेशनल शिफ्ट पोर्ट कर रहा है। जैसे आपको जो यहाँ दे रहा है, यहाँ इंटरनेशनल संबंधी एयरपोर्ट का है, जैसे इससे बाकी देशों से व्यापार किया जा सकता है। तो आप इतना देखें, जैसे आप पहला देखेंगे सबसे उत्तर में हल्दिया हो जाएगा, इसके बाद देखेंगे पारादीप, फिर विशाखापट्टनम, फिर काकीनाडा, और फिर मछलीपट्टनम। इसके नीचे आएंगे तो आपको कृष्णापट्टनम, फिर कट्टुपल्ली, इनोर, चेन्नई, नागपट्टी, और फिर तूतीकोड़ी। ये जितना भी आपको इस साइड में बंदरगाह दिख रहा है, आपको पूर्वी तट पर देखने को मिलेगा। अगर हम भारत के कहें सबसे बड़े बंदरगाहों की संख्या में, तो 13 है, बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है। और लगभग छोटे बंदरगाहों की संख्या लगभग में है 200 हमारे भारत के तटों पर। और ये आप जो तट देख रहे हैं हमारे भारत के, जैसे आप इस क्षेत्र को देखें तो ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। और इस क्षेत्र में आप ये देख रहे हैं तो ये अरब सागर है, ये अरब सागर है।
और भारत के सबसे दक्षिण में आप आएंगे तो सबसे दक्षिण में आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा। तो ये जो पूर्वी तट है बंगाल खाड़ी के तट पर स्थित है और ये सारे बंदरगाह होंगे। अब हम देखते हैं पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी बंदरगाह, तो ये आपका होगा दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, ये हमारा है गुजरात में और ये गुजरात में है और इसे हम पहले बोलते थे, इससे पहले इसका नाम था कांडला बंदरगाह और ये हमारे पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा, देख रहे होंगे मुंदरा, ये मुंदरा जो है इससे इंटरनेशनल व्यापार भी होता है यहाँ से। उसके नीचे आप आएंगे तो बेराल है और सॉरी उससे नीचे आएंगे तो आपको हो जाएगा पोरबंदर बंदरगाह, ये भी आपको गुजरात में मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं बेराल है, ये भी आपको गुजरात में ही देखने को मिलेगा बंदरगाह। इसके बाद आप आएंगे तो भावनगर जो बंदरगाह है वो भी आपको गुजरात में ही है, ये भी पश्चिमी तट का ही है। इसके बाद देखेंगे भरूच का भी बंदरगाह आपको गुजरात में ही मिलेगा और इसके सबसे गुजरात के अगर सबसे दक्षिणी बंदरगाह की बात करें कि गुजरात राज्य के सबसे दक्षिण में कौन सा बंदरगाह स्थित, तो आपको सूरत मिलेगा ये। और सबसे सबसे उत्तर का बात करें गुजरात का तो आपको हो जाएगा कंडला। और इसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा बंदरगाह, पूरे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है और ये पश्चिमी तट पर स्थित है और महाराष्ट्र में है, जिसे हम बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। उसके नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा रत्नागिरी बंदरगाह, ये भी आपको महाराष्ट्र में ही मिलेगा। उसके बाद आएंगे आप सब, ये हमारा दो हो गया महाराष्ट्र में, दोनों बहुत बड़े बड़े बंदरगाह हैं। इसके नीचे आप आएंगे गोवा है, ये छोटा सा आप राज्य देख रहे होंगे, हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, तो आप देखेंगे तो ये गोवा है और गोवा में आपको दो बंदरगाह मिलेगा, एक आप देख रहे होंगे ये पणजी है। इसके बाद पणजी के नीचे आप आएंगे तो मुर्गो है, ये दो बंदरगाह हमारे पश्चिमी तट में है और गोवा राज्य में स्थित है। गोवा राज्य से नीचे आएंगे तो हम लोग का कर्नाटक राज्य है और कर्नाटक में आप देखेंगे तो एक बंदरगाह है जिसे हम बोलते हैं मंगलोर बंदरगाह, ये हमारे कर्नाटक राज्य में और पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके नीचे आप आएंगे तो केरल राज्य, ये हमारा केरल राज्य है, आप देख रहे होंगे केरल राज्य में आप देखेंगे तो दो बंदरगाह है, कोचिंग है और एक है अलुपुजा, ये दो बंदरगाह हमारे केरल राज्य में है। तो हम देख लिए कि हमारे बंदरगाह कितने हैं और किस कौन से तट पर है। अगर हम बात करें कि समुद्री तट से सीमा लगने वाले राज्यों की संख्या तो हमारे 9 है और 9 में आप देखेंगे तो गुजरात हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इसके बाद आप कर्नाटक के नीचे आएंगे तो आपको केरल हो जाएगा। ये जो आप राज्य देख रहे हैं पश्चिमी तट पर से लगने वाले सीमा, पश्चिमी तट से समुद्र सीमा साझा करता है, तो आप राज्य देखेंगे एक और इसमें थोड़ा सा पश्चिमी तट से करता है वो में तमिलनाडु भी है, तो आप देखेंगे पश्चिमी तट से लगने वाले राज्यों की संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप लोगों का 6 हो जाएगा। ऐसा जो 6 राज्य ऐसा है जो पश्चिमी तट से सीमा साझा करता है, इसी में एक है तमिलनाडु, ये पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों से सीमा साझा करता है, ये हमारा हो गया। इसके बाद आप आएंगे पूर्वी तट पर, तो पूर्वी तट पर आपको मिलेगा तमिलनाडु, तो आप यहाँ देख लिए, फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं अगर राज्य की हम बात कर रहे थे, जैसे आप देखेंगे 9 राज्य है, तो 9 राज्य में सबसे पहले गुजरात है, इसके बाद आप आइएगा तो ये महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र है, फिर इसके बाद आप सबसे छोटा देखेंगे गोवा है, गोवा से आप नीचे आएंगे पश्चिमी तट पर लगने वाले तो ये कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक से नीचे आप आएंगे सबसे दक्षिण में पश्चिमी तट का सबसे दक्षिणी राज्य जो लगता है सीमा साझा करता है समुद्र से, ये केरल हो जाएगा। और एक तमिलनाडु राज्य जो ऐसा है जो पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों से सीमा साझा करता है, ये हमारा तमिलनाडु है। अब हम पश्चिमी तट पर देखते हैं, सॉरी पूर्वी तट पर देखते हैं कौन कौन सी राज्य है जो सीमा लगाता समुद्र से सीमा साझा करता है, तो तमिलनाडु हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, इसके बाद आप देखेंगे उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है, 1, 2, 3, 4, तो आपको 5 इधर हो गया और 4 पूर्वी तट पर हो गया, टोटल 9 हो गया। और उसमें से अगर आप लोगों को कभी भी प्रश्न पूछता है कि कौन ऐसा कौन सा राज्य है जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों से सीमा साझा करता है, तो आप लोगों का तमिलनाडु हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको कभी भी राज्य से या बंदरगाह से कोई प्रश्न पूछता है तो छूटेगा, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो। ये हमारा हो गया, हम अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, अरल सागर किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका एशिया। अब हम मैप से देखते हैं कि अरल सागर है कहाँ, इसका लोकेशन देखते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमारा अरल सागर है, ये आपको जो देख रहा है ये अरल सागर है। अरल सागर ऐसा सागर है जो सिर्फ दो ही देश में स्थित है, एक है कजाकिस्तान हो गया, एक दूसरा उज्बेकिस्तान हो गया। दो देश ऐसा जिससे अरल सागर सिर्फ दो ही देश में स्थित है और ये एशिया में स्थित है। अगर एशिया में हम सबसे बड़े सागर के बोले या पूरे विश्व के सबसे बड़े सागर, तो हमारा एक कैस्पियन सागर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कैस्पियन सागर इंग्लिश में लिखा हुआ है, और कैस्पियन सागर का सीमा पाँच देश से लगता है। पाँच देश में अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा यूरोप, कजाकिस्तान और एक और यहाँ पर आपको तजिकिस्तान मिलेगा। इस मध्य एशिया में दो देश है, एक कजाकिस्तान है और एक तजिकिस्तान है, दो देश हो गया मध्य एशिया का, और एक हो गया यूरेशिया का यूरोप। इसके बाद आप इधर आएंगे तो यूक्रेन मिलेगा, और इसके नीचे में यहाँ पर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर आपको ईरान मिलेगा, और इसके बाद यहाँ पर एक अजरबैजान है। तो हम बात कर रहे थे सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े सागर या झील के, तो कैस्पियन सागर हो गया, और कैस्पियन सागर पांच देश से सीमा साझा करता है। और सबसे गहरा सागर की हम बात करें तो सबसे गहरा सागर हो जाता है जो है यूरोप में स्थित है, जिसे हम बैकाल झील कहते हैं, बैकाल झील है जो सबसे गहरा सागर है, और ये मीठे पानी की झील है। अगर हम पूरे विश्व के सबसे मीठे पानी झील के बड़े के बात करें तो हमारा सुपीरियर झील हो जाएगा, ये हमारा सुपीरियर झील हो जाएगा। और ये सुपीरियर झील जो है यूएसए में है। और अगर सबसे खारे पानी के झील के कहे, सबसे विश्व के सबसे खारे पानी झील, तो ये हमारा कैस्पियन सागर हो जाता है। अगर हम सबसे गहरा मतलब सबसे समुद्र से सबसे नीचे सागर के बारे सॉरी झील के बारे में बात करें तो मृत सागर हो जाएगा। मृत सागर जो है सबसे गहरे झील है, और ये हमारा तुर्की और जॉर्डन में। मृत सागर जो, और सबसे अगर हम पूरे विश्व के सबसे लवणीय वाला सागर बोले तो ये क्या बोलते हैं, बहुत सारे बुक में बहुत जगह मिलता है, लेकिन अभी वर्तमान में जो सबसे लवणीय सागर जो है वान झील है, और ये भी आपको तुर्की में देखने को मिलेगा। अगर आप मैप से देखेंगे इस झील को तो आपको तुर्की में मिलेगा, और इसका अगर हम लवणीय क्षेत्र का प्रतिशत में बात करें तो इसका लवणीय प्रतिशत 330 लगभग है। अगर हम सबसे अगर झीलों का देश के बात करें तो झीलों का देश हम जिसे हम नाम से जानते हैं उसे हम फिनलैंड के नाम से जानते हैं। फिनलैंड के नाम से जिसे हम झीलों का देश के नाम से जानते हैं, ये हमारा हो गया झील। अगर भारत के बात करें तो भारत के सबसे बड़े झील है जो चिल्का झील है, और वो खारे पानी के लिए जाना जाता है, और इसे खारे पानी के लिए विश्व में भी जाना जाता है। विश्व के 10 बड़ी झीलों में चिल्का झील का भी नाम आता है। और अगर भारत का सबसे मीठे पानी झील का नाम जाने सबसे बड़े तो हमारे बुलर झील है, और हमारे बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में, और बुलर झील में जो जल प्राप्त होता है वो झेलम नदी से प्राप्त होता है। और ये जो हमारे जो हो चिल्का झील है उड़ीसा में है, और ये पूर्वी तट पर बंगाल खाड़ी से है, और चिल्का झील है जो एक लेगून झील है। लेगून झील का मतलब होता है कि समुद्र के पानी जैसे या नदी के पानी जमा हो गया उसके बाद फिर उसका तट बन जाता है, तो हमारा लेगून झील हो जाता है ये हमारा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है बिली बिली चक्रवात किस देश में चलती है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। हम चक्रवात के बात कर रहे हैं, हमारे अगर चक्रवात के बात कर रहे हैं तो चक्रवात दो प्रकार का होता है। आप देखेंगे तो एक हो जाता है शीतोष्ण चक्रवात, और दूसरा बात करें तो आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगर हम बात करते हैं शीतोष्ण चक्रवात का, तो शीतोष्ण चक्रवात ऐसा चक्रवात है जो स्थल और जल जल दोनों में बनता है, स्थल
और जल दोनों को बनता है। इसका अगर हम बात करें तो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में बनता है। और अगर चक्रवात की हम बात करें तो चक्रवात बनता कैसे, तो जैसे आप देखेंगे कि जैसे अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में भी एक चक्रवात आया था और अरब सागर में भी, जैसे आप देखेंगे कि हमारा ये समुद्र हो गया और ये समुद्र में एक केंद्र होता है जहाँ पर यहाँ पर निम्न दाब हो जाता है, निम्न दाब हो जाता है और चारों ओर उच्च दाब होता है। जैसे आप देखेंगे इसके चारों ओर जो है ये उच्च दाब है, और जब ये समुद्र में उच्च दाब और निम्न दाब का दो केंद्र होता है, जैसे एक केंद्र निम्न दाब होगा जिसे हम आँख के रूप में जानते हैं, उसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हम बोलते हैं आँख, और जब ये चारों तरफ उच्च दाब है और बीच में निम्न दाब, तो सब सारे जल इस तरफ आते हैं तभी चक्रवात का निर्माण होता है। अगर हम मैप से देखते हैं, ये हमारा मैप हो गया, आप ये देख रहे होंगे कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये जो आप देखे 0 डिग्री अक्षांश है, इसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। अगर भूमध्य रेखा के उत्तर में आप जाइएगा तो जैसे आप ये हमारा ले लेते हैं अटलांटिक सागर है, तो ये हमारा हो गया चक्रवात का क्षेत्र। जैसे मान लीजिए यहाँ चक्रवात आ रहा है, तो जब उत्तरी गोलार्ध में हम जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात का दिशा होता है वो घड़ी के दिशा के विपरीत होता है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि घड़ी के दिशा के विपरीत होता है। दिशा का विपरीत होता है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध का हो गया और दक्षिणी गोलार्ध हमारा ये हो गया। तो इसे इस दक्षिणी गोलार्ध में कहें तो घड़ी की दिशा के समान होता है। घड़ी की दिशा के जैसे आप देखेंगे घड़ी चलता है इस प्रकार से है, ऐसे चलता है, इस क्षेत्र में इस टाइप से चक्रवात का दिशा होता है, और अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो इस प्रकार का होता है, सॉरी इस प्रकार का होता है। तो हम चक्रवात देख लिया, देखे थे कि बिली बिली, तो बिली बिली हमारा जो चक्रवात है ऑस्ट्रेलिया में चलता है। उसी तरह से अगर हम और चक्रवात के नाम जाने, जैसे टाइफून, टाइफून चक्रवात है जो जापान और चीन में दोनों सागर के, जापान और चीन के तट पर चलता है। टाइफून चक्रवात हो गया ये जो आपको चलता है चीन और जापान दोनों के तट पर। और जो हिंद महासागर में चक्रवात आता है या भारत के तट पर जो टकराता है उसे हम चक्रवात के ही नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो भी चक्रवात आता है उसे हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर कैरेबियन सी में चक्रवात आता है, एक आता है जिसे बोलते हैं, सॉरी टाइफून यहाँ नहीं, यहाँ टार्नेडो आता है। ये टार्नेडो है, टाइफून यहाँ पर आता है। और ये चक्रवात है ना, ये सब उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सबसे शक्तिशाली चक्रवात है। पूरे विश्व में जो चक्रवात आता है, जैसे आप ये यहाँ देखे टार्नेटो, ये हो गया चक्रवात। यहाँ आप ऑस्ट्रेलिया में देखे बिली बिली, और ये चक्रवात जो है ना, जो कैरेबियन सागर में जो चक्रवात आता है पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली चक्रवात होता है। इससे शक्तिशाली चक्रवात कोई भी नहीं होता है। और इस तट पर आप देखेंगे तो हरिकेन का चक्रवात चलता है। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो रहा, हरिकेन चक्रवात इस आप या अमेरिका के तट पर चलता है। और ये चार पांच तट जो चक्रवात का नाम है, बाकी जैसे भारत में चक्रवात आता है या हिंद महासागर में चक्रवात आता है, इसका नाम अलग अलग है। या फिर बोले तो इस तट पर भी जो चक्रवात आता है तो सबका नाम अलग, अपने देश जैसे अपना अपना नाम अलग देता है। ये हमारा चक्रवात का हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो गुजरात है, और ये ताप्ती नदी पर है, ताप्ती नदी पर। इसके बाद एक बिहार में आप देख रहे हैं, तो बिहार में बहुत सारा जल परियोजना है, जैसे कोसी परियोजना है, गंडक है, सोन है। ये तीन महत्वपूर्ण है, हमेशा बीपीएससी या बिहार जैसे टीजर भर्ती इस समय पूछा जा सकता है। तीन परियोजना जो है बिहार में है, ये तीन है। अगर हम मध्य प्रदेश में की बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत सारा परियोजना है, जैसे गांधी सागर परियोजना हो गया,
और बहुत सारे, और फिर राजस्थान में भी बहुत सारा चंबल पर है, जैसे सॉरी मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ ताप्ती नदी हम देखते हैं कहाँ से निकलता है, मैप नहीं है, सॉरी मैप नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय किस राज्य में वन क्षेत्रफल के अनुसार, वन क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा है? तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश, इसमें तीन ही ऑप्शन है, डी आप कोई युवराज भी डाल सकते हैं या इनमें से कोई नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश है। अगर हम क्षेत्रफल के बात किए तो मध्य प्रदेश हो गया, अगर हम प्रतिशत में बात करें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत में मिजोरम है, सबसे ज्यादा प्रतिशत में मिजोरम में आपको वन देखने को मिलेगा। अगर हम पूरे भारत में वन के देखते हैं कि वन वृक्षारोपण और वन वारण और कुल भौगोलिक का तो कितना है, तो आप सबसे ज्यादा तो देखें कि मध्य प्रदेश में है क्षेत्रफल पर, और फिर सबसे प्रतिशत में देखेंगे तो मिजोरम हो गया, ये हमारा मिजोरम राज्य है, प्रतिशत में मिजोरम हो गया। और हम बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम बिहार के बारे में देखते हैं, हमारा बिहार हो गया। बिहार में अगर वन का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बात करिएगा तो यहाँ आपको मिलेगा 7.84%। पूरे भारत के अगर हम बात करते कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन का तो हो जाएगा आपको 24.62%। अगर हम कुल कहें वृक्षारोपण का, वृक्षावरण वरण का, तो हो जाएगा आपको कुल पूरे भारत का वृक्षावरण सिर्फ है तो 2.91% हो जाएगा। वही अगर हम वन का बात करें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सिर्फ वन का, तो वन का सिर्फ हो जाएगा आपको 21.71%। ये हमारे पूरे भारत का हो गया वन का। और अगर हम अभी जो 2021 का 17वां रिपोर्ट आया, अगर उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य ने किया है तो उसका हम बात करते हैं तो हमारे आंध्र प्रदेश हो जाता है। इसके ये वृद्धि किया है लगभग 643 वर्ग किलोमीटर। अब अगर हम इस पढ़ रहे हैं तो फिर एक यहाँ पर हमारे मैग्रो वन भी मिलता है, अगर मैग्रो वन के बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किया है जो हमारा हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल वृद्धि करने में। तो ये हमारा हो गया 10वां प्रश्न, आज तक का हमारा प्रश्न यहीं तक था, अब अगला सीरीज में देखेंगे। बाकी आप सभी को थैंक यू, और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ शेयर लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा।